फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है जैसे बुधवार, तो आज है हमारे यहाँ घर में पूजा, जो कि सुबह से उसकी तैयारी चल रही है। हम लोग भी सुबह से तैयारियों में लगे हुए हैं। आज है गुरु पूर्णिमा, जो कि हमारे यहाँ आषाढ़ी के रूप में मनाई जाती है। तो हम लोगों को आज सुबह से तैयारी करते हुए काफ़ी सारा टाइम हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, जो कि थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है मुझे बाज़ार से भी लाना है और बहुत सारी तैयारी करनी है, क्योंकि पंडित जी का टाइम हुआ है। उनको शाम को मैंने बुलाया है, क्योंकि वो सुबह से ऑलरेडी इतना बिजी है कि उन्होंने खुद कहा था कि मैं शाम को 4 बजे तक आऊँगा, और वो 4 बजे तक उन्होंने आने के लिए बोला हुआ है। अब मैं उनका वेट करता हूँ शाम को 4 बजे तक। अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं, पंडित जी भी ऑलरेडी आएंगे, उनका भी वेट करते रहेंगे। लेकिन अभी जो बाकी काम बचे हुए हैं, बाकी काम हम लोग करते हैं, क्योंकि पंडित जी के आने तक का जो भी तैयारियां हैं हम लोग पूरी कर लेते हैं, क्योंकि उस समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम लोग चलते हैं नीचे, क्योंकि मम्मी लोग क्या है नीचे काम वगैरह कर रही हैं, वो भी तैयारियों में लगी हैं इन सब चीज़ों की, उनको भी सब काम पूरा वगैरह करना है। तो हम लोग क्या है अब चलते हैं सीधे बाज़ार, जो कि बचा हुआ सामान है वो भी लेके आते हैं, कि जिससे हर चीज़ से टेंशन फ्री हो जाएंगे, तो बाद में किसी भी चीज़ की कोई टेंशन ना हो लाने के लिए। क्योंकि जिस समय पूजा होगी फिर उस समय कोई भी चीज़ इधर उधर रह जाए वो भी अच्छा नहीं लगेगा ना। फिर चलिए चलते हैं बाज़ार, फिर आपको वहीं पर मिलते हैं बाज़ार में। मैं मार्केट के लिए निकल आया हूँ बाज़ार में जाना। अब यहाँ पे इतनी तेज़ धूप हो रही है, चलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, सामान लेके आना है तो वो तो जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मंदिर थोड़ी दूर पे है, जहाँ पे मुझे थोड़ा बचा हुआ सामान लेके आना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश काफ़ी दिन हो गए हैं, कि रोज़ पता लगता है कि बारिश होगी नहीं होगी, लेकिन कुछ भी ऐसा पता नहीं चल रहा है कि बारिश कब होगी। इस गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है यहाँ पे। ये हमारे यहाँ काली मटिया का मंदिर, जो कि शास्त्री नगर में, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे हर समय त्योहारों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं, यहाँ पे लोग पूजा भी करा रहे हैं। फाइनली मैं घर पे आ गया था और पंडित जी भी आ चुके हैं, क्योंकि पूजा का टाइम हो चुका है, ऑलरेडी 4 बज चुके हैं और पंडित जी का भी वेट कर रहे थे, वो आ चुके हैं। मैं रेडी हो चुका हूँ, अब बस सीधे चलते हैं पूजा में, क्योंकि पंडित जी वेट कर रहे हैं। अब देखो